गुड मॉर्निंग सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कोविड के लिए लड़ाई अभी भी लगातार जारी है। कुछ नए वैक्सीन और बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। जाइडस कैडिला का वैक्सीन जो है ऑलमोस्ट जो है वो फाइनल फेज में है। मुझे लगता है कि एक आध महीने में वो अप्रूव हो जाएगा। पहला ऐसा वैक्सीन होगा जो बगैर इंजेक्शन के लगेगा। उसके लिए इंजेक्शन नहीं इस्तेमाल करेंगे, एक मशीन जैसा होगा वो इस्तेमाल करेंगे, इसे बोलते हैं जेट इंजेक्टर बोलते हैं। वो सिर्फ एक प्रकार से फोर्सफुली थ्रो कर देगा डीएनए को आपके स्किन के अपर लेयर में, ठीक है। और पहला डीएनए बेस्ड वैक्सीन है जाइडस कैडिला का, काफी सारे ट्रायल्स उसके हुए हैं। इसके बाद जो है एक और अच्छा वैक्सीन जो है आने वाला है, वो ओरल पोलियो, जो जिसे ओरल पोलियो वैक्सीन हम यूज करते हैं ना, ऐसी ओरल कोविड का वैक्सीन जो है वो भी जल्दी ही मार्केट में आ सकता है, ठीक है। खैर, एग्जैक्ट डेट बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब ये जो तमाम जो वैक्सीन चल रहा है, पूरा इपिडेमिक के बारे में बात चल रहा है, पैंडेमिक के बारे में, तो मैंने इस दौरान काफी सारे पैंडेमिक के बारे में स्टडी किया मैंने, कि कैसे लोगों ने उससे कितना समय चला। मतलब मैं इसलिए स्टडी कर रहा था कि कितने टाइम चलता है ये, अमूमन इसका समय कितना होता है, कितने समय तक ये ह्यूमन रेस को अफेक्ट करता है। तो मैंने गौर किया कि कोई भी पैंडेमिक, चाहे वो प्लेग का पैंडेमिक आया हो, चाहे वो स्मॉल पॉक्स का आया हो, चाहे वो पोलियो का आया हो, हर पैंडेमिक जो है वो 2 साल तक उसने असर डाला है। 2 साल तक, 2 साल तक वो रहा है जब तक कि हर्ड इम्यूनिटी ना आ गई उठ के। मतलब या तो आपने वैक्सीन लगवा लिया या आप इन्फेक्ट हो गए, तीसरा कोई तरीका है ही नहीं है। कुछ लोग जो है वो 5-10% लोग इसलिए बचे रह जाएंगे क्योंकि बाकी सब लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, बाकी सब लोग जो है उनको या तो हो चुकी बीमारी, तो उसे बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी में क्या था, जिसको 5-10% लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगा वो बचे रह जाते, ठीक है, लेकिन खतरा बने रहते हैं हमेशा वो। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया भी पता नहीं उसी रास्ते पर चल दिया है शायद, क्योंकि जो आंकड़े कहते हैं नगर निगम के सारे, यदि देश भर में नगर निगम के सब आंकड़े निकाल ले आप, कि जो मार्च अप्रैल में जो कोविड का जब डेल्टा वेरिएंट इंडिया में कहर ढा रहा था तब जो है कितनी डेथ हुई, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भी हाल ही में किसी की एक रिपोर्ट सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि 49 लाख, मतलब आधा करोड़ लोग जो है इंडिया में खत्म हुए हैं। कि सरकारी आंकड़े कुछ भी हो, लेकिन ऐसा उनका बोलना इसलिए क्योंकि उन्होंने नगर निगम में जो होता है ना डेथ सर्टिफिकेट बनता है, उसके आधार पर उन्होंने बताया वो, ठीक है, कि कितने डेथ सर्टिफिकेट कोविड के चलते बने। तो एक्चुअली व्हाट एवर द रीजन, एग्जैक्ट फिगर गॉड नोस, कोई जानता नहीं है उस बारे में, कि सब लोग कहते हैं कि हाँ हमारे गांव से, हमारे शहर से बहुत अफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये जो पैंडेमिक है इससे निपटने के लिए पहले भी बहुत प्रयास की ह्यूमंस ने। आपको बता दूं मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब पोलियो का पैंडेमिक जो है इंग्लैंड में फैला, तो पोलियो ने बहुत बड़े संख्या में लोगों को अफेक्ट किया। मतलब पोलियो बच्चों को तो हो ही रहा था, बड़ों को भी हो रहा था पोलियो, और उसके बाद क्या हो रहा था कि बच्चों को तो बड़ा सीवियर अफेक्ट कर रहा था, ये बड़ों को भी हो रहा था, ठीक है। बच्चों में विकलांगता कुछ ज्यादा दिखी गई इसमें, कि भाई आप हैंडीकैप्ट हो गया बच्चा, उसके लोअर लिम काम करना बंद कर दिए। आपको पता है तब जो है वो सैक ने इंजेक्टेबल वैक्सीन को डिस्कवर किया, सेविन ने ओरल पोलियो वैक्सीन को डिस्कवर किया। जब ओरल पोलियो वैक्सीन आ गया उसके बाद जो है वैक्सीनेशन बहुत तेज चला, क्योंकि इंजेक्शन की अपनी एक लिमिट होती है। उस जमाने में डिस्पोजेबल सीरिंज नहीं हुआ करते थे, ठीक है, तो वो उबालते थे सीरिंज, उसके मतलब बहुत स्लो प्रोसेस था उठ के। अब लेकिन जब जैसे ही ओरल पोलियो वैक्सीन आया, तो पता है क्या किया उन लोगों ने शुगर क्यूब, जो शुगर क्यूब होता ना, शुगर लंप होता है, उस लंप में 2 बूंद वैक्सीन डाल के ऐसे शुगर लंप तैयार किए उन्होंने, और स्कूल से बच्चों को शुगर के लंप देना शुरू किया उन्होंने, है ना, पार्टीज में, सब जगह पे, जहां जहां शॉपिंग करने जाओ वहां पर बोलेगा वैक्सीन लगाया पोलियो का, आपने नहीं लगाया, आपको एक शुगर लंप देगा, एक सर्टिफिकेट साइन करवा लेगा आपको, तो वो शुगर लैम्प। और जैसे ही वो शुगर लैम्प पर शुगर क्यूब के थ्रू वैक्सीन दिया गया, तो पूरा इंग्लैंड जो है वो कुछ ही महीनों में पूरे इंग्लैंड में सबको वैक्सीन हो गया, सबको वैक्सीन लगे, 4-4 बार वैक्सीन लगे, 4-4 ओरल पोलियो वैक्सीन के 4 डोज कम से कम, 3 से 4 डोज कम से कम देने होते हैं, पूरा इंग्लैंड उन्होंने वैक्सीनेट कर लिया। और वही पोलियो इम्यूनाइजेशन का जो का शुरुआत, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत इंडिया में तो 1996 में हुई, 1996 में हुई, और ये पहले दो दशक पहले ही कर चुके थे, ठीक है, ये बहुत पहले ही जो है वो अपने आप को इम्यूनाइज कर चुके थे ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो मतलब बात इतनी थी कि ऐसा पहली बार नहीं है कि ह्यूमन रेस जो है किसी पैंडेमिक से जूझ रही है। मैंने बहुत पढ़ा, मैंने अंदाजा लगाया मैंने कि पैंडेमिक जो है वो हर 100 साल में, हर 70-80 साल में एक ना एक ऐसा इवेंट घट रहा होता है जहां पे बीमारियां हो रही होती है। हालांकि आप देखेंगे कि आपके दादाजी या कोई और जो है वो आपके, देखिए सुबह सुबह कोई कॉल कर रहा, लगातार कॉल कर रहा, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, तो फिर अब बोलते सर फोन नहीं उठाते हैं, अब सर कुछ काम भी तो कर रहे होते हैं। तो खैर, ह्यूमन रेस में जो है पैंडेमिक बार बार पैंडेमिक जो है वो फैलता रहा, और
अभी से हमारे दादाजी या पापा बोलते थे उन्होंने कोई पैंडेमिक नहीं देखा, उनको स्मॉल पॉक्स का पूछिए आप, बताएंगे आप उनके यदि वो तो स्मॉल पॉक्स कैसे फैला था के, तो मतलब ऐसा नहीं है। यह कि इंटेंसिटी वेरी कर सकती है, जिससे जो जो सांस से फैलेगा, हवा से फैलेगा तेज फैलेगा उठ के, है ना, फूड से फैलेगा वो उसकी तुलना में स्लो फैलेगा उठ के, पर्सन टू पर्सन कॉन्टेक्ट से फैलेगा वो जो जो क्लोज कॉन्टेक्ट में लंबे समय रहने पर फैलेगा, बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैलेगा और स्लो फैलेगा उठ के, तो ये डिपेंड करता है तरीके पर। खैर ये तो बात की हमने पैंडेमिक जो है बीमारी के ऊपर बात किया। देखो दृष्टिकोण एकदम खुला रखना चाहिए, कई लोग बड़े परेशान है कि पता नहीं कब होगा, कि जिंदगी ऐसे कट जाएगी, ऐसा पहले भी लोग सोचे हुए हैं। ठीक है, मैंने कहा ना बॉडी का एक नेचुरल फिनोमेना, जब भी कभी आप किसी को वैक्सीन देते हो, मतलब आप उसे इन्फेक्ट करते हो, इस प्रकार इन्फेक्ट करते हो कि उसको बीमारी ना हो पर उसका इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को पहचान ले, ये तरीका होता है। ठीक है, दैट्स वाई वैक्सीन आर रिक्वायर्ड। ठीक है, एक लीडर, एक नेता या एक सही लीडर जो है पूरे देश की भविष्य को बदल सकता है। और ऐसा ही मैंने हाल ही में, मैं किताब पढ़ रहा हूं, बड़ी अच्छी बुक है ये, कल्याणी मुखर्जी की बुक है, 20 ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशनिस्ट, क्या बहुत अच्छी बुक है, इट इज वन ऑफ दी फैंटास्टिक, इट इज वन ऑफ दी फैंटास्टिक बुक के। अब इस बुक में जो है वो उन्होंने जो है मुस्तफा कमाल अतातुर्क के बारे में बताया हुआ है, मुस्तफा कमाल अतातुर्क, अतातुर्क जो है वो टर्की में बड़ी फेमस पर्सनालिटी से, हम गांधी जी को बोलते पूछते हैं यहाँ पे, हम वैसे ही अतातुर्क यहाँ पर जो है वो बड़े फेमस, उन्होंने आधुनिक टर्की की, आधुनिक तुर्की की, उन्होंने तुर्की तुर्की बोलते हैं वहां के लोग, आधुनिक तुर्की तुर्की, ठीक है, तुर्की उसकी उन्होंने शुरुआत किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज को समझ गए थे वो, कि यदि हम बहुत ही कट्टरपंथी, बहुत ही रिलीजियस प्रकार से अपने आप को जोड़े रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने अतातुर्क ने क्या किया, उन्होंने तुर्की का मॉडर्नाइजेशन किया, यूरोपीकरण किया उसको उन्होंने, क्योंकि तुर्की लगा हुआ है यूरोप से ना, तुर्की का कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में से लगा हुआ है और कुछ एशिया में, मतलब यूरोप और एशिया एक ही प्लेट है, यूरेशिया बोलते हैं इसको, एशिया के बाद यूरोप शुरू हो जाता है। तो जो वेस्टर्न साइड है वहां पर जो है उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन को अपनाया उन्होंने, कि महिलाओं को उस तरह की आजादी मिलना चाहिए, उस प्रकार का कल्चर हमारा होना चाहिए, तो वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने अपना लिया पूरा, एजुकेशन से, जिसे सोचिए आप तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है लेकिन वहां के मदरसे जो है ना वो किसी के कंट्रोल में थे, वो मदरसे सीधा एजुकेशन बोर्ड के कंट्रोल में थे, तुर्की का एजुकेशन बोर्ड डिसाइड करता था कि मदरसों में क्या पढ़ाएंगे आप, इंग्लिश भी वहां पर एक हिस्सा बनाया गया अरबी के साथ साथ, क्योंकि भैया आपको पता होना चाहिए दुनिया से कनेक्ट होने के लिए। तो वहां पर जो मदरसे थे उन मदरसों को भी जो है वो सरकार ने जो है वो उनको भी एजुकेशन बोर्ड से कनेक्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि मालूम है कि एजुकेशन वो चीज है जो आदमी के दिमाग के बंद दरवाजे खोलती है, यदि आप एजुकेशन को प्रॉपर नहीं देंगे ना तो दरवाजे बंद रहेंगे, वो किसी के सुनेगा भी नहीं आदमी, गलत शिक्षा मिलेगी ना तो आदमी किसी के सुनेगा भी नहीं, अपने आप को बहुत होशियार समझेगा वो। मुझे भी कई लोग राय देते मिल जाते हैं, मुझे बोलते हैं कि तुम डॉक्टर हो, धर्म के बारे में बात मत किया करो, तुम्हें क्या मालूम धर्म के बारे में, अरे पोंगे पंडित, तुम्हें कुछ, तुम्हें मतलब मैं बोलूंगा कि जो ऐसे पोंगे पंडित या पोंगे मुल्ला मुल्ला जो लोग हैं उनको ये पता ही नहीं है कि धर्म का असली सार क्या है, एक्चुअल सार उसका जो है वो मानव कल्याण में, ह्यूमन वेलफेयर में। यदि मनुष्य को मनुष्य से लड़ाने वाला कोई शास्त्र है तो इसका मतलब यह है कि आपने उसको गलत इंटर, या तो आपने गलत इंटरप्रेट किया है या छोड़ दो उसको भाई, वो उसमें गलत ही है, दो चीजें हो सकती है, या तो आपका पढ़ने के बाद समझने का नजरिया गलत है आपका, या वो पुस्तक ही गलत है, और यदि आप मानते हैं पुस्तक सही तो अपना नजरिया ठीक कीजिए, क्योंकि वही एक तरीका है। क्योंकि यदि हम हर व्यक्ति जिसके अपने बिलीफ है, जिसके अपने जो है वो हम कहते हैं रिलीजियस बिलीफ बोले हम उसको, या उसके कल्चर का हिस्सा बोले, उसका रिस्पेक्ट हमको करना पड़ेगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति अपने मन से चुनता नहीं है, वो धीमे धीमे ग्रूम अप होता है, सीखता है चीजों को, उठ के फिर उसका इंटरप्रिटेशन भी वो सीखता है कि मुझे क्या इसका मतलब क्या है। आप यदि व्यक्ति को इंटरप्रिटेशन ही गलत बताएंगे उसको आप, तो फिर उसको लगेगा कि ये शायद ये, यदि मैं बच्चे को बचपन से बोलता हूं कि 2 + 2 जो है वो 6 होता है, 4 नहीं होता, हर बार उसको मैं यही बोलूं तो उसको 6 ही समझ में आएगा, वो बोलेगा दुनिया गलत है, मेरे को तो यही बताया गया कि 2 + 2 = 6 होता है। तो हमको अब जो है दिमाग के बंद दरवाजे जो है वो खोलने होंगे। यही काम किया मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने, उन्होंने तुर्की को जहां पहुंचाया था, तुर्की बड़े आगे था के, अभी हाल ही में वहां पे सरकार बदली, वहां पे जो है पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ, उसके चलते तुर्की अब पीछे जाने लगा, मतलब तुर्की की गिनती अब जो है पिछड़े पिछड़े देशों में होने लगी धीमे धीमे। जबकि मैं खुद पर्सनली तुर्की में 15-20 दिन रह के आया हूं, मैंने वैसा मॉडर्नाइज कंट्री नहीं देखा, जबरदस्त कंट्री, इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा सब कुछ वहां पर, कि मतलब वेदर से लेके हर क्या नहीं है उसके पास। लेकिन वही वाली बात है, जब जैसे ही आप सोच को बदलते हैं
अपने दिमाग को बंद करना शुरू करते हैं तो चीजें आपको वैसी दिखाई देने लगती है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि सबसे बड़ी बात है, यदि हम किन्हीं लोगों को मानना चाहते हैं ना, तो कभी आप सिंपल सा किसी भी महान आदमी की जीवनी को पढ़ना और आप लुईस पाश्चर, रॉबर्ट कोच, सैक, सेविन, फिर हम बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सैलमन वॉक्समैन, जोसेफ लिस्टर, मैक्स थेलर, इनके बारे में पढ़ना। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों लोगों को मरने से बचाया है, खोज खोज के, खोज कर, कोई ने एंटीबायोटिक खोजा, कोई ने वैक्सीन खोजा, कोई ने मतलब पूरा नॉलेज की, जिसको बोलते थे कि ये बीमारी भूत से होती है, पाप करने से होती है, उस बीमारी का कारण बैक्टीरिया में ढूंढ लिया कि भैया एंटीबायोटिक दो बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई पाप माप नहीं है ये। अब सोचिए, ये लोगों को मानना चाहिए या उन लोगों को मानना चाहिए जो लड़ाने का काम करते हैं? तो हमें सोचना पड़ेगा, ओपन, वी शुड हैव ओपन माइंड। आज मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि जो है हम सारे लोगों को एक बात दिमाग में रखना चाहिए कि वो ये रखना चाहिए कि हमारे उठते हुए कदम पीछे की दिशा में है या आगे की दिशा में है। जब आगे की दिशा में होंगे देश तरक्की करेगा। यानी आज के 50 साल बाद इंडिया कहां होना चाहिए ये हमें सोचना चाहिए कि आफ्टर 50 इयर्स इंडिया कहां पे होना चाहिए, भारत कहां पर होना चाहिए। भारत बहुत आगे निकला है, बहुत आगे भारत टेक्नोलॉजी वाइज देखो। आज तो आज भारत ने अपना वैक्सीन से लेकर हर चीज भारत ने, तो इंडिया में कमी नहीं, इंडिया इज वेरी वेरी टैलेंटेड कि पूरी दुनिया लड़ रही थी तो भारत ने अपना भी वैक्सीन बना लिया। उन्होंने कोवैक्सीन देखे ना, इंडियन मैक वैक्सीन है, जाइडस कैडिला ने जो बनाया है, जायकोव डी, वो भी इंडिया के अंदर ही बना है। बाहर का वैक्सीन, बाहर खोज भी लोगे तो वैक्सीन बनेगा हमारे ही, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, खोजा गया था ऑक्सफोर्ड, बना इंडिया में, तो भैया इंडिया को भी हिस्सा मिला उसका। मतलब दैट काइंड ऑफ पावरफुल कंट्री वी आर कि हम यदि सोच लेना, केवल अपनी सोच को ठीक कर लेना तो हम अमेरिका से आगे निकल सकते हैं। सच बोल रहा हूं, क्योंकि जो टैलेंट हमारे पास है, जो ब्रेन हमारे पास है, वो बुद्धू लोगों के पास नहीं है। हम लोग बुद्धू नहीं, हम बुद्धिमान है। यहां बुद्ध हुए थे, यहां आप धरती पर बुद्ध हुए थे, इसलिए हम बुद्धिमान लोग हैं। समझ गए? चलिए तो आज इतना ही। Have a great day, all the best.